का भी रिस्पॉन्स कैसा आया? आज का दौरा हमारा आसिफ नगर डिवीज़न नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, माहौल एकदम बेहतरीन है, बदलाव माहौल है। कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आ गई और जो तमाम हमारे 6 गारंटीज का हम वादा करें, आवाम को पूरा भरोसा है रेवंत रेड्डी पे और फिरोज खान पे कि बराबर ये स्कीम लागू होंगे। क्योंकि प्रजा पालना जब था, हम पूरे नामपल्ली के अंदर 38,000 एप्लीकेशंस सबमिट करे और भारत जोड़ो यात्रा फेज़ 2 के तहत वो 38,000 एप्लीकेशन जो जो घरों में अप्लाई करे, मैं वो घरों को गया था पर्सनली और उनसे मिला और वो बेहद खुश हुए थे कि पहली पार्टी है जो फार्मा लेके हमारे घर को आके हमारे को ये वादा कर रही कि हम बराबर करेंगे। तो हम पब्लिक को बोल दिए थे कि कांग्रेस की हुकूमत अभी आ चुकी है और ये स्कीमा लागू होना है तो अगस्त होना और नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन में हम ये जितने भी स्कीम हैं अमल नहीं कर पाएंगे। 1-2-3 स्कीम अमल हो रहे हैं, 2 स्कीमा अभी लॉन्च हुए और एक एक स्कीम लॉन्च होने का है। तो आवाम को पूरा भरोसा है हमारे पे और आवाम हम जहाँ भी जाओ, चाहे वो हिंदू रहो, मुसलमान रहो, दलित रहो, ईसाई रहो, एक ही बात बोल रहे हैं, कांग्रेस को वोट डालना है। डेवलपमेंट कोई नहीं करा, बीआरएस पार्टी, बीजेपी पार्टी, 10 साल की उनकी हुकूमत, 10 साल की इनकी हुकूमत, सिर्फ ये लोग वादे करे, अमल नहीं करे। कांग्रेस पे हमारे को पूरा विश्वास है और हम कांग्रेस को टाइम देना है। जब हम आवाम को पलट के बोले आपको डबल बेडरूम मिला, आपको नौकरी मिली, जो कीमतें सर चढ़ के बोल रहे हैं उस पर कोई कंट्रोल आया, और औरतों के ऊपर, महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा उसमें कोई कंट्रोल आया, लखपति करोड़पति बन रहा, मगर जो गरीब है, जो 500,000 वाला है, सिर्फ 500,000 पे रुक जा रहा। तो आवाम हमको ये बात बोली है कि ये जो बीआरएस गवर्नमेंट और 10 साल की बीजेपी की गवर्नमेंट तेलंगाना को और सिकंदराबाद को और खसूसी नामपल्ली को नहीं डेवलप करा, हमारे को उम्मीद है कांग्रेस पे। और हम पब्लिक को ये बात बोले हैं कि देखिए, अगर से आप यहाँ पे सिकंदराबाद के हलके से हमारे कैंडिडेट नागेंद्र को जिता देंगे तो आज कांग्रेस की हुकूमत है, हम 100 रुपये ला सक रहे हैं। अगर से एमपी भी जीत जाएगा तो हम 200 रुपये ला सकेंगे और ये पैसा आपको जाएगा। और आवाम को कांग्रेस पार्टी और हमारे पे बहुत भरोसा है, क्योंकि हमारी पार्टी में और फिरोज खान के पास कोई दलाल, कोई ब्रोकर नहीं रह सकता। अगर से आ गया भी तो मैं आवाम को बोल चुका हूँ कि मेरे को कंप्लेंट दे देना और पहला मैं उसके ऊपर केस बुक कराऊँगा। सो ये तमाम चीज़ों पे कांग्रेस गवर्नमेंट जो तेलंगाना में आ गई, माहौल पूरा बदला हुआ है और इंशाल्लाह सिकंदराबाद की सीट कांग्रेस जीतने वाली है। सर, हैदराबाद सिकंदराबाद की सीट को लेकर परसों अमित शाह का दौरा हुआ, सेंट्रल मिनिस्टर कह रहे थे कि वो बीजेपी इस वक्त मजबूत है और आवाम को क्या मैसेज देंगे यहाँ पे, आप तो दौरा करें फिर आवाम को क्या मैसेज देंगे? आवाम को हम सीधा एक ही प्रश्न, आपका अगर से फ़ायदा बीआरएस करिए तो डालिए, आपका फ़ायदा हुआ बीजेपी से करिए, बस अगर से नहीं हुआ कांग्रेस को मौका दीजिए। 60 साल कांग्रेस हिंदुस्तान पर राज करा और आज जो भी डेवलपमेंट है कांग्रेस ही करा, BHEL से लेकर अब मैं बोलने को बैठा तो एक दिन होता मेरे को, हर एक डेवलपमेंट कांग्रेस का पार्टी करा और दूसरे पार्टियां सिर्फ बलवा करे, ड्रामा करे, मीडिया में शोर करे, मगर ज़मीन की हकीकत कुछ और है। तो उसके लिए आप डेवलपमेंट होना है तो कांग्रेस को लाइए।